प्रखंड के किसान भाइयों को अगर बीजोपचार करके बीज की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये करते क्यों हैं पहले ये जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे फसलों में खासकर ये तिलहनी फसलों में कुछ बीज जनित रोग होते हैं जो कि बीज के द्वारा ही बीज कैरियर का काम करते हैं। तो अगर उस स्टेज में लगाने के पहले अगर हम बीजोपचार कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और इसमें से जो सीड बोर्न डिजीजेज हैं ये नहीं लगेंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि वेविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से अगर इसको उपचारित कर लें, वेविस्टीन केमिकल है, एक दवा है, इससे जो कि बीज जनित रोगों से छुटकारा दे सकती है, अगर इसको उपचारित करके किसान भाई इसको लगाएं। और लगाने के लिए मैं एक चीज़ बड़ा बहुत अहम बात रखना चाहूँगा, इसमें बताना चाहूँगा कि चूंकि सरसों, तोरी और तीसी का बीज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसको जब नालियों में बुआई करें तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बुआई न हो, जिससे कि इनको अंकुरण करने में सुविधा हो, अंकुरित अच्छे ढंग से कर सकें। इसलिए बुआई करने में इसका जरूर ध्यान रखें कि ज़्यादा गहराई पर बुआई न करें। या पोषक तत्वों का जो प्रबंधन की बात है, इसमें अगर आप ये तीसी की बात करेंगे या सरसों की बात करेंगे या तोरी की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग किस तरह से इसकी खेती कर रहे हैं, यानी कि इसकी खेती 2 तरह से करते हैं, एक तो कि सिंचित अवस्था में, दूसरा कि रेनफेड कंडीशन, जो कि हमारा जो मॉनसून का रेन है और जो उसमें रेजिडुअल मॉइस्चर है ज़मीन में, अगर उसको ध्यान में रखे करते हैं। हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, खासकर रबी में, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग रेनफेड कंडीशन में खेती करते हैं। तो ध्यान रखें मोटा मोटी ये बात कि जब भी रेनफेड कंडीशन में करेंगे तो खाद एवं उर्वरकों का मात्रा कम हो जाएगा, और जब हम सिंचित अवस्था में करेंगे तो खाद एवं उर्वरकों का मात्रा अधिक होगा। तो रेनफेड कंडीशन के लिए अगर हम तीसी की बात करें तो इसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम डालते हैं। और इसी तरह से तोरिया में अगर हम बात करें तो तोरिया में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में जो है कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस के दर प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि ये तिलहनी फसल है, इसमें आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर का प्रयोग ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करने से इसके दानों में तेल की प्रतिशत तेल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किसान भाई, तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डीएपी से फास्फोरस को डालते हैं तो उस कंडीशन में आपको अलग से सल्फर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालने से इनके बीजों में तेल की मात्रा आपको अधिक मिलेगी।